दोस्तों गुरु शिष्य की कहानी, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। आप सब जानते हो ये जीवन संघर्ष की तरह होता है। जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। जिसके पास अपार धन संपदा भी है उसको भी बहुत सारे दुख हैं। दुखों के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रसित है, ये रोज की बात है। हर व्यक्ति के जीवन में ये संघर्ष निरंतर बना हुआ है। इस दुनिया में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। कोई बीमारी से परेशान है तो कोई परिवार से परेशान है, लेकिन हर व्यक्ति फिर भी अपना जीवन किसी तरह जी रहा है। परेशानियां तो हैं और रहेंगी। हमें इस जीवन में ये सीखना है कि परेशानियों के रहते हुए हमें निराश नहीं होना है। और परेशानी की जड़ क्या है, उसका मूल स्रोत क्या है, जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे तब तक हमें परेशानियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये अपनी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, जिससे मेरी बात आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। एक गुरु जी थे, उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे। एक शिष्य एक दिन उनके पास आया और बोला, गुरुदेव मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ, मेरी सारी परेशानियाँ दूर कर दीजिए। गुरु जी मुस्कुराए और उस शिष्य से बोला कि इस दुनिया में आपको जो भी सुखी नजर आता है उसका जूता मुझे ला कर दो, फिर मैं आपकी परेशानी चुटकियों में दूर कर दूंगा। उस पर उस शिष्य ने सोचा, ये तो बहुत आसान काम है, गुरुजी ने तो इतना हल्का काम बता दिया, मेरी परेशानियां अभी यूं छुमंतर हो जाएंगी। खैर वो आश्रम से तैयार होकर निकल गया और एक ऐसे सुखी आदमी की तलाश में लग गया जिसका जूता लाकर वो गुरुजी को दे सकता था। वो पास के गांव में बड़े धनवान व्यक्ति के पास पहुंचा। धनवान व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, चारों तरफ नौकर चाकर थे। शिष्य ने उस धनवान व्यक्ति को सारी बात बताई, उससे उसका जूता मांगा कि मेरी भी परेशानियां हल हो जाएंगी, मेरे गुरुजी ने ऐसा आदेश दिया है। धनवान व्यक्ति उसकी बात सुनकर भड़क गया। उसने कहा, मैं इतना परेशान हूँ, तुम मेरी मुस्कुराहट देख रहे हो, मेरी परेशानी नहीं देख रहे हो, मैं तुम्हें जूता नहीं दे सकता। वो दूसरे व्यक्ति के पास गया, वहां से भी निराशा मिली। सुबह से शाम तक बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी थी, कुछ ना कुछ निराशा थी, कुछ ना कुछ दुख जरूर था। अंत में हार कर निराश होकर वो आश्रम लौट आया और अपने गुरुजी से उसने सारी बात बता दी। तब उसके गुरुजी ने उससे कहा कि जीवन में हर व्यक्ति परेशान है, तुम्हारी परेशानी तुम्हें बड़ी लगती है क्योंकि तुम्हें दूसरों की परेशानी दिखाई नहीं देती। आज शायद तुम्हें इस बात का अनुभव हो गया होगा कि तुम्हारी परेशानी कुछ भी नहीं है, लोग बहुत बहुत परेशान हैं। परेशानियां हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, परेशानियों के साथ जीना सीखिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, इसलिए अपनी परेशानी की जड़, उसकी मूल को तलाश कीजिए। परेशानियों से छुटकारा मिलने का यही एक रास्ता है। और कभी भी दूसरों के सुख से ना जलें। आदमी इसलिए भी परेशान रहता है क्योंकि वो दूसरों की खुशी से, दूसरों के सुख से जलता है। आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।